खुद को पूर्व मुख्यमंत्री का पोता बताकर देर रात युवक पहुंचा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के दफ्तर। कोरोना संक्रमित मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले को सील करने की मांग करने लगा। दरअसल बलजीत सिंह नामक शख्स रविवार रात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गाट्रिया के दफ्तर पहुंचा और मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले को सील न करने पर सवाल उठाने लगा। युवक कह रहा था कि आम जनता के संक्रमित होने पर पूरी गली को सील कर दिया जाता है, लेकिन मंत्री के संक्रमित होने पर भी उनके बंगले पर स्टाफ तैनात है। बहरहाल इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह काम लोक निर्माण विभाग का है, लेकिन कुछ देर तक दफ्तर में चले हंगामे के कारण महिला अधिकारी ने कोतवाली थाना पुलिस को युवक के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसकी जमानत हो जाने की खबर भी सामने आ रही है। बहरहाल युवक की मांग तो कुछ हद तक जायज ही थे और स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि आखिर कोरोना संक्रमित होने पर बंगले एहतियातन सील करने का कार्य किस विभाग के पास है। युवक जब महिला अधिकारी से बात कर रहा था, उस वक्त महिला अधिकारी ने फोन पर किसी अन्य अधिकारी को फोन कर इस बात की जानकारी मांगी। युवक ने अंत में खुद की सरकार आने पर महिला अधिकारी को देखने की धमकी भी दे डाली। बात करो, फोटो खींच लेने का, बिल्कुल आईडी सी में जो से रात के टाइम बत्तमीज से बात करी। मैं नंबर का गाड़ी बोल रहा हूं, गाड़ी नंबर नोट करो, पुलिस को रिपोर्ट करो। आ जा आ जा। अरे बड़ा गाड़ी लो, छोटी गाड़ी का नुकसान ना है तो आ जा, थाने से आओ, बाद में आएगा तो फिर दिक्कत है। हम सामने जाएगा, चलो अभी चलो, छोड़ हम बोलो उधर आए बोलो। ये बुलवाया तो था, क्यों जा रहे हो? क्या क्या है पूरा मामला? हाँ, डॉक्टर पूर्णिमा गड्ढिया मैडम के द्वारा जो शिकायत की गई, लेखित आवेदन पत्र देकर कल दिनांक 2/8/20 को, जिस पर किसी आरोपी व्यक्ति बलजीत सिंह निवासी कोहिनूर नगर के द्वारा कार्यालय स्टाफ के सामने कार्यालय में गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई और अनावश्यक दबाव बनाया गया, जिस संबंध में शिकायत पत्र पर से अपराध पंजीबद्ध करके आज दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया है। किस बात को लेकर? आरोपी द्वारा राजनीतिक पहचान पत्र पर दबाव डाला गया, साथ ही जो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई स्टाफ के सामने। आपका नाम? उप निरीक्षक योगेश राज, थाना सेंट्रल कोतवाली, इंदौर।